हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। सो आज स्पीच एंड लैंग्वेज सीरीज़ का एपिसोड 4 लेके आई हूँ। लास्ट टाइम हमने आपको एक बच्चा दिखाया था एपिसोड 2 में, जिसके साथ हमने आपको नाउन का रिक्वेस्ट कैसे करना है, बॉक्सेस सामने रख के कि स्पीच इससे विद अंडरस्टैंडिंग कैसे स्पीच लेके आनी है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और उस बच्चे ने जो वर्ड्स हैं या साउंड्स हैं उसने वो इनिशिएट करनी स्टार्ट कर दी है। अभी आपको हम दिखाएंगे कि इससे आगे बढ़ने के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि बच्चे को चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन हो। तो आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे? सबसे पहले आपका जो बॉडी लैंग्वेज है डैट शुड बी न्यूट्रल। आप जो सुनना चाहते हैं सिर्फ उतना ही मुंह से बोलेंगे, कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन को साथ चलाने का ना ये फ़ायदा है कि क्योंकि हम उसमें इमिटेशंस कराते हैं कि डू दिस, तभी वोकल इमिटेशन आएगा। बट इमिटेशन आपको पता होना चाहिए कहाँ आपने एक महीना इमिटेशन सिखाने में लगाया है। बट आप दिमाग से ये चीज़ निकाल देते हैं कि जब भी आप स्पीच करा रहे हैं आप लिमिटेड बोलिए, क्योंकि आपका बच्चा वो भी सेम कॉपी करके आपके ऊपर ही एप्लीकेबल करेगा। ओके, सो योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी न्यूट्रल। आपको जितना चाहिए आप उतना ही बोलेंगे, और जिस पर्सन में आपको वो लैंग्वेज चाहिए आप उतना ही बोलेंगे। जैसे बाय मम्मा, हम कहते हैं ना बोलो बाय मम्मा, बोलो बाय मम्मा। आपने जो सुनना है यू विल से ओनली दैट स्टफ, बाय मम्मा। ओके, इस तरीके से दिट इज़ कॉल्ड वोकल इमिटेशन। अभी आपको मैं स्टेप 1 पे लेके जाऊंगी कि सबसे पहले आएगा आइडेंटिफिकेशन। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि अब बच्चे का स्पीच आ गया है, इस बच्चे के वर्ड्स हैं, और अब हम इसको 2 वर्ड फ्रेजेस कैसे कराएंगे ये हम आपको दिखाएंगे। इन सब टारगेट्स के लिए कुछ सामान हमें चाहिए, वो मैं आपको साथ साथ इंट्रोड्यूस करती रहूँगी। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन सिखाएंगे। मैंने बहुत बार फ्लैश कार्ड्स दिखाए हैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी, लिंक फिर भी मैं पोस्ट करूंगी। इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स जो कि बिल्कुल क्लियर हैं, आपने इस तरीके के फ्लैश कार्ड्स यूज़ करने हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बच्चे के ऊपर हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट कि आप लोगों को हमेशा बताया जाता है कि हम लोग सेंटर्स में या स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस में इफ़ वी आर यूजिंग फ्लैश कार्ड्स तो घर में आपने ओरिजिनल आइटम्स यूज़ करनी है, क्योंकि सिर्फ 1 घंटा हम पे डिपेंडेंट रहने से कुछ नहीं होगा। और जर्नलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप कई लोग कमेंट करते हैं कि मैम फ्लैश कार्ड्स का क्या फ़ायदा जब ओरिजिनल आइटम्स के बच्चे के ऊपर जर्नलाइजेशन नहीं है, तो फिर आप घर में क्या कर रहे हैं होल डे, राइट? फ्लैश कार्ड सेंटर में यूज़ हो रहे हैं, जो सामान एक क्लास में अरेंज किया जा सकता है वो सब अरेंज्ड होता है। बट यस, अगर मैं आप बोलूँ कि मेरे को किचन का आइडेंटिफिकेशन चाहिए, वॉशरूम का आइडेंटिफिकेशन चाहिए, मग का आइडेंटिफिकेशन चाहिए, टब का आइडेंटिफिकेशन चाहिए, तो वो क्लासेस में हम कैसे सारा सामान लेके आएंगे? तो सारी डिपेंडेंसी या सारा ब्लेम एक स्पेशल एजुकेटर या स्पीच थेरेपिस्ट के ऊपर नहीं रहेगा। आपको भी उतना ही काम करना है जितना आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्लैश कार्ड्स के आइडेंटिफिकेशन कैसे करानी है आइए इस वीडियो में देखिए। वॉच, फोन, बॉय, मग, स्कर्ट, चेयर, चॉकलेट। ओके, चलो गिव मी ब्रेड। ब्रेड, यस, हैंड्स बैक। गिव मी मग। मग, कप दे दो, कप। वेरी गुड। बैलून, बैलून, जल्दी जल्दी, फास्ट, गिव मी बैलून। बैलून, कार, चॉकलेट, चॉकलेट, स्कर्ट, फोन, कैटल, चेयर, बॉय, वॉच। वेरी गुड पेरेंट्स, आपने देखा बच्चा कितना कॉन्फिडेंटली चीज़ें उठा के दे रहा है, और मैं सिर्फ 2 वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, गिव मी।
है ना। आप बॉडी लैंग्वेज आपने देखा बिल्कुल न्यूट्रल है, कुछ चेंजेस नहीं है, हैंड का पोजीशन सेम है पूरा टारगेट में, ये आपने ध्यान रखना है। सम टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं, गिव मी बैलून तो उनका हाथ ऑटोमेटिकली बैलून के ऊपर है, गिव मी कैप तो कैप के ऊपर, गिव मी हॉर्स तो हॉर्स के ऊपर। योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी न्यूट्रल, कि बच्चे को कोई क्यू नहीं देना है आपको। ये स्टार्टिंग के टाइम पे डेफिनेटली बच्चे को आप प्रॉम्प्ट्स देंगे, बट व्हेन द चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट इन एनी काइंड ऑफ टारगेट, तो आपको अपने प्रॉम्प्ट्स भी फेड जब हम करेंगे तो आपको अपना जो पोजीशन है वो सेम रखना है और सेम ही लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे। ओके पेरेंट्स, चलिए देखिए स्पेशल एजुकेशन को ना साथ साथ स्टार्ट करने का फ़ायदा ये है कि वो लोग आइडेंटिफिकेशन पे बहुत फोकस करेंगे। अब क्या है कि हमें जो सेकंड स्टेप है स्पीच का, टू वर्ड फ्रेजेस का सॉरी, तो उसमें मैंने क्या किया है, ये कलर्स के आइडेंटिफिकेशन मेरे बच्चे को है, सपोज पिंक हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया। अब मैं क्या करूँगी, मैं बच्चे के सामने टेबल पे ये दोनों चीज़ें रखूँगी, एक को ढक दूँगी इस तरीके से, आपको मैं दिखाऊँगी ये डेमो में, एक सामने को मैं टक टक कर रही हूँ, अगर आप देखेंगे दिस इज जेस्चुरल प्रॉम्प्ट। आप क्या पूछते हैं, विच कलर इज दिस, बच्चे ने बोला रेड, फिर ये हटा देंगे, विच फ्रूट इज दिस, ये आप क्या कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, एक्चुअली रॉन्ग प्रैक्टिस। आपने ये रखा, आपने इसको टक टक किया, टक टक मीन्स मुंह से टक टक नहीं, सिर्फ जेस्चुरल प्रॉम्प्ट, बच्चा समझ जाएगा कि आप उसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रेड। यहां से पेपर हटाया, एप्पल, देखिए टू वर्ड फ्रेजेस आ गए, रेड एप्पल। चलिए आइए आपको डेमो दिखाते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। आइए, ग्रेप्स, फिर से बोलेंगे, वेरी गुड। कलर बोले, रेड एप्पल। हैंड्स पीछे रखेंगे मेरा बेटा, पिंक, यस, जोर से बोलेंगे, व्हाइट, 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 काउ, यस, banana, very good girl, blue, tiger, blue, shorts, sure, yes, yellow, banana, good, white, cow, cow, yes, bean, पेरेंट्स। फिर आपको इस तरीके के टू वर्ड फ्रेजेस के कार्ड्स लेने हैं, एक को हम ढक देंगे। क्यों ढक क्यों रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे का हम टू वर्ड फ्रेज लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी है नहीं, ओके। तो उसका जो कैलिबर है, जो उसका स्टेमिना है, वो अभी भी सिंगल वर्ड का ही है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग हार्ड कि वो दोनों चीज़ें इकट्ठे बोले इस तरीके से। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ओके, ग्रीन पीज, ऐसे भी कर सकते हैं आप। अदरवाइज मैं आपको बच्चे को प्रॉपर डेमो देके दिखाऊंगी, आप देखिए हमें कैसे बुलवाना है। अगेन क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, सिर्फ जेस्चरल प्रॉम्प्ट देके आप सारी बात सुनेंगे और आप देखेंगे कि ये बच्चे को भी नहीं पता चलेगा कि वो वन वर्ड से टू वर्ड फ्रेजेस पे कब आ गया। आइए देखिए, और सारे ही कार्ड्स के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, सो नीड नॉट टू वरी। चलिए देखिए, रोज, White summer. Very good. Again, again. The duck, lemon. Lemon. Then, mutter. Mutter. Peas. 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 पेरेंट yeah. उससे नेक्स्ट आपको इस तरीके की फंक्शनल बुक्स बनानी है कि दिस इज एन एनिमल और एनिमल सेज क्या, एनिमल क्या कर रहा है, एक चीज से क्या एक्सपेक्ट आप करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ अ नाउन, ओके। इट इज अ फंक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ नाउन, इधर इट इज अ स्पून, तो इट मीन्स कि स्पून का फंक्शन है खाना, यू नो हम तो कहेंगे स्पून खाना, आई विल शो यू।
अब हम ये बुक्स आपको बनानी है, अदरवाइज मैं अपनी बुक पे भी काम कर रही हूँ, उसमें आपको ये सब रेडीमेड मिलेगा, आपको कहीं एफर्ट डालने का नीड नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं उसमें डालूंगी, अगर आपके पास तभी अभी टाइम है बुक पब्लिश होने में, बट तब तक आप गूगल से इस तरीके के जो हैं पिक्चर्स वो आप निकाल सकते हैं, जैसे कैट तो मियाऊ इस तरीके से हम कराएंगे, स्पून ये देखिए स्पून खाना या स्पून राइस, बॉय कैप, इस तरीके से बच्चे के टू वर्ड फ्रेजेस आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं बता रही हूँ, और आप अभी देखिए वीडियो, हम लोग इन सब चीज़ों का डेली रूटीन में प्रैक्टिस में हैं और बच्चे बोल बोल के जा रहे हैं। आप देखिए डेमो वीडियो फर्स्ट। कैच पानी ओके वेट टीवी कार्टून्स वेरी गुड पापा खाना म्याऊ वेरी गुड शाबाश स्पून राइस गुड गर्ल बॉय cap D apple apple shufa battle give me 10 boom boom तो पेरेंट्स इस तरीके की क्रिएटिविटी आपको यूज़ करनी है टू वर्ड फ्रेजेस लाने के लिए। इसी बच्चे को मैं आगे तक लेके चलूँगी, आपको दिखाऊँगी कि सेंटेंसेस भी आएंगे, 3-3, 4-4 सेंटेंसेस भी आएंगे, फिर टू वे कम्युनिकेशन पे भी आएंगे, आपको सब दिखाया जाएगा। सो पेरेंट्स अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए, सिर्फ बैठे बैठे यूट्यूब देखने से कुछ नहीं होगा, आपको जो आप देख रहे हैं जो सीख रहे हैं उसको एप्लीकेबल कीजिए। होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया कीजिए। कई बच्चे ऐसे बैठे हैं जो 1-1 वर्ड पे हैं और उनका बहुत सुंदर कैलिबर है आगे जाने का, सिर्फ छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम यूज़ करना भूल जाते हैं। सो थैंक यू सो मच पेरेंट्स, कीप शेयरिंग अवर वीडियोज़। थैंक यू।